हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे एक विनती है कि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में यहां पर बेल आइकन भी होता है उसे प्रेस करिए क्यों क्योंकि अगर उसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस नहीं मिलेगी वीडियोस नहीं मिलेगी तो हम जो ये वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाते हैं आपके लिए परोसते हैं जहां पर हम आपको स्टॉक्स बताते हैं कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्निकल फंडामेंटल हर बेसिस पे तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा और आपको नहीं मिल पाएगा तो आप नॉलेज नहीं दे पाएंगे फिर आप किसी ना किसी बेस पे किसी ना किसी के भरोसे हमेशा रहेंगे और मेरा ये हम मानना है कि किसी के भरोसे नहीं रहना बस सीखना सबसे है याद रखिए किसी के भरोसे नहीं रहना सीखना सबसे है तो सिखाने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे लगभग प्लस पर सब्सक्राइबर्स हैं बट स्टिल उन्होंने केवल और केवल ट्वेंटी परसेंट लोगों ने ही यहाँ पर इन, आ, केबल केबल, यहाँ पर, पर बेलाइकन को हिट कर रखा है तो आप बेलाइकन को हिट करिए और वीडियो आती है तो यहाँ पर देखिए एज वेल एज हमारे चैनल नितेश कुमार इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी यहाँ पर भी हिट कर लीजिए तो हम बात करेंगे आज अड़ानी से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर सामने भी अड़ानी हमारे दिख रहा है तो अड़ानी के स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे टोटल गैस है ग्रीन एनर्जी है इंटरप्राइजेस इंटर्प्राइ, है ट्रांसमिशन है विलमार है पोर्ट्स है एज वेल एज पावर यहाँ पर सात

ग्यारह रुपए का हुआ करता था आज की डेट में ये लगभग पच्चीस सौ छब्बीस सौ के आसपास है इसके अलावा हम देखते हैं ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिशन भी मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे सारी 2015-2018 में शेयर आए अट्ठाईस रुपए का स्टॉक से हुआ करता था पैतीस पैतीस सौ रुपए का स्टॉक चल रहा है अड़ानी बिलमार की बात करें अडानी बिलमार यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर देखिए अः तीन सौ चौबालीस रुपए का स्टॉक हुआ करता था ये यहाँ पर अभी लगभग अभी शेयर आया तो इसलिए अभी कंसोलिडेशन मोड में है इस लेवल को निकालेगा तो शायद और भागता हुआ नजर आएगा ये अडानी पोर्ट की बात की जाए अडानी पोर्ट यहाँ पर देखिए इसने अभी तक ऐसा कुछ कारनामा यहाँ पर करके नहीं दिखाया है ओके यहाँ पर देखेंगे तो सेम उसी प्राइस पे यहाँ पर, पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर ने भी एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको ऑलरेडी दे दी है उतना नहीं भागा बटागर देखेंगे ₹30 का स्टॉक्स कोविड के बाद से यहां पर 300 350 पे होता हुआ 400 पे होता हुआ नजर आया तो इनमें से कौन सा स्टॉक्स ऐसा है जो कि यहाँ पर वैल्यूएबल दिखता है ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जिसकी वैल्यूएशन ठीक है ऐसा कौन सा स्टॉक्स है कि जो हमें यहाँ पर खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक्स है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कर लेना चाहिए ओके और जो हम बिजनेस में है इन्वेस्टिंग के ओके उस इन्वेस्टिंग के बिजनेस को हम आ, सार्थक बनाए ओके उस बेसिस पे हमें यहाँ पर चीजों को देखना है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो हमेशा क्यों नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें वैल्यूएशन नाम की चीज थी वो उन्हें सही नहीं लगती थी वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है ओके okay, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के हिसाब से पर आप 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 आपको 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 चीज लेनी चाहिए अगर बात करें, आपको आप आपको, बात करें कोई एक, एक इंसान है है घर घर में रहते होंगे और आपको एक घर की याद नहीं रहते होंगे तो ऑबी बात है आपको एक घर की जरूरत होगी आप उसे बाई करने जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में तो हर एक एरिया की एक अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो बजट एज वेल एज हम यहाँ पर क्या देखते हैं वैल्यूएशन कि कंपनी अगर आप एक चौल में जाएंगे और आपको बता दिया जाए कि ये घर आपको एक चौल में दो करोड़ रुपए का है तो क्या आप उस शेयर को लेंगे एज एज वेल अगर हम बात करें आप किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी बढ़िया बैंड्रा में जाएंगे और आ, और वहां पर देखेंगे कि आपको पचास लाख में घर मिल जाए तो क्या वो पॉसिबल होगा तो वो एक पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है तो वैल्यूएशन नाम की चीज होती है तो वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है वैल्यूएशन के हिसाब से आज तक जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है पैसा बनाए बट बिना वैल्यूएशन के विषय से आपको मल्टी बैगर रिटर्न इन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने दे दी है बट वो वैल्यू वैल्यूएबल है या नहीं है या फिर लॉन्ग टाइम में वो आपको धोखा देंगे या नहीं देंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे अड़ानी टोटल गैस अड़ानी टोटल गैस की बात करें 714 का पी है याद रखिए सात सौ रुपए का सात सौ का पी है बहुत महंगा महंगा नहीं बहुत महंगा यहाँ पर स्टॉक्स है जबकि इंडस्ट्री का पी 10 का है और जो इसकी पीयर कंपनी है जो हम बात करें यहाँ पर आई जी एल आई और एम जी एल इसके अलावा गुजरात गुजरात गैस इनकी यहाँ पर बात करें तो 5, दस सोलह पंद्रह बारह तीस तेरह इसके आसपास की है ज़्यादा यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन नहीं है और यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है ओके okay, कोई ऐसी चीज ये क्रिएट नहीं कर रहा कि यहाँ पर ऐसी वैल्यूएशन रखे यहाँ पर देखिए डेट भी है सब चीज़ यहाँ पर नजर आती है कंपनी ऑब्वियस सी बात है कंपनी प्रोसेस में है कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है एवरीथिंग इज गुड प्रोमोटर्स के पास शेयर है एफ है डी है सब नज़र आता है सब चीज़ ठीक है बट यहाँ पर रिस्की स्टॉक्स हो जाता है आर ओ भी ठीक ठाक है ओके okay, बट इस वैल्यूएशन पे जहाँ पर बुक वैल्यू 22 है, पर है, है तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस बत्तीस के आसपास है इसके बाद सबसे ज्यादा नजर आता है अडानी ग्रीन एनर्जी बस ग्रीन एनर्जी एनर्जी चलेगी इन्होंने यहाँ पर प्लांट बना लिए है अलग अलग एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रीन एनर्जी प्लांट ये बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड कप तो ये सारी चीजें ठीक है बट स्टिल एक आप यहाँ पर बिजनेस में है किसके इन्वेस्टिंग के इन्वेस्टिंग का बिजनेस वही होता है जो दिमाग से यहाँ पर काम किया जाए शेयर भागते हैं टूटते हैं ट्रेड करते हैं ठीक है बट इसके बाद अगर बात करें पी तो इंडस्ट्री का पी 34 का है इसका पी 703 का है तो ये शेयर महंगा नहीं महा महंगा है पहली बात डेट की बात करें चार सौ परसेंट का यहाँ पर डेट है इस चीज को भी देखिए अड़ानी के इस शेयर की बात करें तो ज्यादा डेट नहीं था यहाँ पर तो डेट भरा हुआ है तो ये नेगेटिव पॉइंट पी सबसे ज्यादा ये नेगेटिव पॉइंट बुक वैल्यू सात है और यहाँ पर शेयर 2200 के आसपास है तो ये नेगेटिव पॉइंट इंटरनसिव वैल्यू 36 है ये 2205 पे चल रहा है ये नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पर जब नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है आर ओ कुछ खास आर ठीक है आर ठीक नहीं है ओके okay, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है प्रॉफिट का रेशो ठीक है बट कंपनी का शेयर नाम की एक वैल्यूएशन uh, नाम की एक चिड़िया होती है उस चीज को आपको यहाँ पर देखना होगा उसके हिसाब से काम करना होगा ग्रीन एनर्जी की बात करें अडानी यहाँ पर टाटा uh, पावर भी उस काम में लगा हुआ है और अलग अलग कंपनी लगी हुई है उनकी वैल्यूएशन देखेंगे तो उनकी वैल्यूएशन इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी एज वेल एज इसका एक और प्लेयर रिलायंस भी आ रहा है तो वहां पर भी आपको नजरें रखनी पड़ेगी ऐसा कुछ uh,

तो आप घाटे में पड़ जाएंगे तो सबसे महंगा स्टॉक अडानी टोटल इसके बाद अडानी ग्रीन नजर आता है अब इसके अलावा बात करें अडानी एंटरप्राइजेस तीन का यहाँ पर पी .E. है ओके ये पूरे ग्रुप का यहाँ पर मेन है मेन लीडर है डेट की बात करें 204 परसेंट का डेट है इसका इंडस्ट्री के पी .E. 39 है इसका यहाँ पर 10 टाइम्स दिखा रहा है ओके okay, दस गुना यहाँ पर इसका दस गुना से भी ज्यादा यहाँ पर इसका पीई है इस चीज को देखिए प्रॉफिट का कुछ नहीं पता सेल्स का कुछ नहीं पता ROC, ROE का कुछ नहीं पता वन सेवेंटी नाइन का बुक वैल्यू है सत्ताईस सौ शेयर चल रहा है ये नेगेटिव पॉइंट इंटरसिक वैल्यू ये नेगेटिव पॉइंट एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे कंपनी के रिजल्ट तो कंपनी के रिजल्ट कभी बीच में नेगेटिव आ जाते हैं कभी पॉजिटिव आ जाते हैं कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं कंपनी काम कर रही है ओबीसी काम कर रही है कंपनी का लगातार सेल्स भी बढ़ रही है कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो और ना प्रॉपर्टी यहां पर 2011 में था उसके आसपास भी नहीं है तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी रिजल्ट्स बट केवल अडानी है अडानी है और किसी की वीडियो देख ली शेयर भाग रहा है ये करके अगर पैसा लगाएंगे मार्केट में तो कभी पैसा नहीं कमाएंगे ओके ये जुआ हो जाएगा और आप यहां पर घाटे में पड़ेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस इसे भी ध्यान में रखिए ओके ऐसा यहां पर देखिए प्रमोटर्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस वे अपना ही हो। यहां पर पब्लिक के पास शेयर जा रहे हैं है। बट यहाँ की तीन सौ पच्चीस यहाँ पर लगभग टेन टाइम्स ही है डेट की बात करें रहे चार का डेट है आर ओसी कुछ खास नहीं है जी इस हिसाब से पी जी रेशो थर्टीन वन के, के नीचे होता है ठीक होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ठीक ठाक है इंटरसिक वैल्यू देखिए दो सौ बयालीस बुक वैल्यू इक्सठ और पैतीस सौ पेशे थोड़ा सा समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्ञान लगाना होगा दिमाग का यूज करना पड़ेगा ओके उसका यूज करेंगे तो याद रखिए प्रॉफिट में रहेंगे वरना ऐसे स्टॉक्स की हालत क्या होती है वो आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि अडानी ये कर रहा है अडानी वो कर रहा है उसे छोड़ दीजिए आप अपने वेल्थ पे ध्यान दीजिए कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तभी यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी सेल्स की बात करें उनतीस की यहाँ पर सेल्स है सेल्स भी देखिए लगातार फ्लैट आती हुई दिखाई दे रही है प्रॉफिट लगभग यहाँ पर बात करें यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व सत्तावन सौ करोड़ के बोरेंगे यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा है कंपनी वर्किंग प्रोग्रेस में ये पैसे लगे हुए हैं ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है बट यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स यहाँ पर लगातार अड़ानी के बेचते हुए नजर आ रहे हैं शेयर थोड़ा सा कॉशियस भी आपको अपनाना पड़ेगा वरना आप ऊपर के लेवल पर फंस जाएंगे और यहाँ पर फिर निकलना मुश्किल होगा फिर कहेंगे कि मार्केट एक जुआ है तो इसे मत करिए अड़ानी विलमार अच्छा स्टॉक्स है नो डाउट एक सौ बारह का पीई है ओके थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना है क्योंकि इतना ज़्यादा पी क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी और मौजूद है यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी एच देख लीजिएगा उसकी वैल्यूएशन इतनी नहीं है इसके अलावा बात करें यहाँ पर तेल का बिजनेस है तेल में यहाँ पर आप सफोला देख लीजिए सफोला इन द यहाँ पर रुचि सोया देख लीजिए पतंजलि की या फिर आप इसे सफोला जो बनाती है मैरी को उसे देख लीजिए तो आपको चीजें पता चलेगी आर ओ सी ठीक ठाक है शेयर यहाँ पर यह थोड़ा सा रिलायबल नजर आता है बट स्टिल इतना ज़्यादा रिलायबल ये भी नजर नहीं आता जब गिरना शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ पता नहीं चलेगी सेल्स की बात करें अभी रिजल्ट आया है यहाँ पर देखिए मार्जिन लगभग फ्लैट आया है ओके प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है लगातार बस शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है चीजें समझनी होगी सोचनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म में ठीक है बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये शेयर भी अच्छा नजर नहीं आता और रिजर्व्स की बात करें रिजर्व यहाँ पर अच्छा खास है कंपनी की बोरिंग भी साथ साथ बढ़ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में है यहाँ पर देखिए ओ कभी भी आ सकता है ओ आया तो शेयर ऑब्वियस सी बात गिरता हुआ नजर आएगा एफ देखिए अपनी हिस्सेदारी घटा दी है बेच बाज के निकल गए पब्लिक यहाँ पर ले रही है पब्लिक को फिर बनाया जाएगा बेबकूफ

नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसका अगर बात करें आर ओ सी यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आया है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बट ठीक है चलता रहता है और कब पोर्ट का बिजनेस अच्छा खासा चलेगा हमें ये पता है और सेल्स लगातार बढ़ रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कंपनी का और रिजर्व भी है कंपनी का बॉरिंग भी उसी हिसाब से है तो यहाँ पर सब चीज एक जिसे कहते हैं ना इक्वल uh, वे में रहना वो है as well as यहाँ पर सब में घटाई है और इसमें केवल बढ़ाई है तो इस चीज को आपको समझना होगा पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग घटती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर कुछ चमत्तकार होगा तो यहाँ पर बने रहिए, ये अच्छा शेयर नजर आता है बाकी शेयर में कोई दम नहीं है और अड़ानी पावर ये भी ठीक नजर आता है क्योंकि तेरह का पी है चौथीस का यहाँ पर इंडस्ट्री का है कहीं ना कहीं ये भी सस्ता है आर ओ सी आर ओ ही काफी बेहतरीन है कंपनी ने ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे दिए है सेल्स तो लगा अच्छी नहीं है बट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो अच्छा नजर आता है कंपनी की बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन फिर भी थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ये थोड़ा सा महंगा नजर आता है बट थोड़ा सा ध्यान इधर भी रखना है सेल्स की बात करें इस कंपनी की सेल्स बढ़ी है कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कंपनी का मार्जिन की बात करें वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा ये

ओके okay, भागने को ये चौ पैतीस बत्तीस सौ पे चल रहा है बत्तीस हजार पे ले जा सकते हैं कोई इशू नहीं है बट थोड़ा सा आपको सोचना होगा इसके देख के तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए पैसा लगाइए थोड़ा सा आप सही तरीके से लगाइए अड़ानी ग्रीन उसके बाद दूसरा सबसे घातक स्टॉक यहाँ पर नजर आता है अडानी का इसके बाद एंटरप्राइजेस घातक नजर आता है बोरिंग वगैरह क्या है इसकी आपको पता ही है इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन बहुत बेहतरीन घातक नजर आता है और फिर थोड़ा बहुत रिलायबल नजर आता है तो अडानी बिलमार्क स्टिल महंगा है बट ध्यान दे सकते हैं सबसे अच्छा स्टॉक पोर्ट नजर आता है तो पोर्ट की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसे लेके अपने रख सकते हैं ये अच्छा नजर है शेयर भी अच्छा है और काम भी उसी तरीके से कर रहा है और पावर इस पर भी ध्यान दे सकते हैं बट थोड़ा सा ध्यान से तो ये दो स्टॉक्स है दो तीन स्टॉक्स इस पे ध्यान दीजिए दो तीन स्टॉक्स और है चार स्टॉक्स यहाँ पर मैं तो अवॉइड करने की कहूंगा वरना यहाँ पर आप याद रखिए पैसा जो आप लगा रहे हैं लॉस में बदल सकता है बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है बेल आइकन को हिट करना है सब्सक्राइब भी करना है लाइक बटन दबा देना है ताकि हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचे लोगों तक पहुंचेगी वो सीख पाएंगे समझ पाएंगे चीजों को वरना वो यहाँ पर ऊपर के लेवल पे फंस के अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते नजर आएंगे वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पर कमेंट करिएगा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस